जस्ट इमेजिन अगर आपकी शादी हो जाए और शादी के बाद आपका एक्स आपकी लाइफ में फिर से एंट्री मारे। अब इसमें ट्विस्ट है कि आप अपनी पास्ट लाइफ से ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो एंड समवेयर यू आर हैप्पी इन योर प्रेजेंट लाइफ, और उसी वक्त आपके एक्स आपसे कहता है कि आज भी वो आपसे उतना ही प्यार करता है। अब ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने देखी सुपर नस्त काई नाम की मराठी वेब सीरीज जो प्लेनेट मराठी नाम की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, और इस वेब सीरीज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है बट विद अ बिग ट्विस्ट जिसके बारे में ना आपने कभी सोचा होगा और ना समझा होगा और शायद ही कभी हमारी इंडियन सोसाइटी इसे कभी एक्सेप्ट भी कर पाए। बेसिकली कहानी सुमित और अनुजा की हुआ रहा कपल एंड दे आर अबाउट टू गेट मैरिड बट ड्यू टू सर्टन सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेज उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और सुमित उनको अपनी लाइफ से जाने के लिए कहते हैं एंड टू मूव ऑन इन हर लाइफ। और फिर कुछ सालों बाद अनुजा गेट्स मैरिड टू अ पर्सन कॉल्ड सिद्धार्थ हु इज अ म्यूजिशियन एंड समवेयर शी इज हैप्पी विद हिम। अब हालांकि अनुजा अपनी मैरिड लाइफ में खुश है बट समवेयर शी स्टिल मिस सुमित एंड व्हाटएवर हैपेंड विद देम इन द पास्ट, और उसी वक्त सुमित उनकी लाइफ में वापस आते हैं। आई लव यू। आई लव यू टू। सिद्धार्थ चलना पटकन मला भूक। Yes. पाहता पाहता कातरटाकण सोपनस्त। इन रियलिटी अगर कोई ये सिचुएशन फेस करता है तो इसके कई सारे अप्रोच हो सकते हैं जिससे हम इस सिचुएशन को टैकल कर पाए। सबसे पहला अप्रोच होगा या फिर हम उस इंसान को ये बोल पाए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सेकेंड, या फिर आप उस इंसान के पास परमानेंटली चले जाओ और एल्स गेट इन टू मैरिजल अफेयर जो आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। बट इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जब सुमित अनुजा की लाइफ में वापस आते तो अनुजा कहती है कि वो सुमित और सिद्धार्थ से इक्वली प्यार करती है। शी इक्वली लव्स बोथ ऑफ देम एंड वॉन्ट्स टू स्टे विद बोथ ऑफ देम इन द सेम हाउस। लविंग मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉलीएमरी। इंडियन सोसाइटी तो अब तक लिव इन रिलेशनशिप को भी ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मराठी इंडस्ट्री ने पॉलीएमरी पर एक पूरी वेब सीरीज बना दी। अब क्योंकि वी ऑल हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए मैं इस शो के कॉन्सेप्ट को ना इतना एंकरेज करूंगा ना मैं इसके अगेंस्ट हूं। आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज द कंटेंट एंड हार्डवर्क ऑफ द मेकर्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस एंटायर शो। और इसलिए आज के रिव्यू में सिर्फ एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इस शो का स्क्रीन प्ले, म्यूजिक और डायरेक्शन से रिलेटेड ही बातें करूंगा विदाउट इवन गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज। सोपन नस्त का एक मराठी मिनी वेब सीरीज है जिसमें टोटल 5 एपिसोड है और हर एपिसोड का ड्यूरेशन अराउंड 30 मिनट है। सुमितला विसरण मला आयुष्यात नाही जमणार आहे। एखाद्या माणसाच्या आठवणी अशा एकदम विसरता नाही येत, पाठी नाही ना कोरी करते। मयुरेश जोशी शो के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है ना, आई मस्ट से उनकी राइटिंग मुझे थर्ड एपिसोड में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। थर्ड एपिसोड में एक सीन है जहाँ पे अनुजा सुमित और सिद्धार्थ के साथ बैठी है एंड शी इमेजिन समथिंग इन टू डिफरेंट वे और टू डिफरेंट मैनर। अब वो क्या है वो तो आपको शो देखते वक्त ही पता चलेगा बट येस, आई एम डीपली इम्प्रेस विद द वे दैट पर्टिकुलर सीन हैज बीन रिटन डाउन बाय द राइटर। इस शो का नाम है सुपर नस्त काई, मीन्स नथिंग इज ईजी एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, इस शो में जो भी सिचुएशन होती है उसे समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना भी इज नॉट दैट ईजी। भले आपको इस शो का कॉन्सेप्ट पसंद आए या ना आए बट यू कांट इग्नोर द फैक्ट दैट मृण्मय देशपांडे, शशांक एंड अभिजीत हैज डिलीवर्ड अ हार्टवार्मिंग परफॉर्मेंस। शशांक केतकर ने शो में सुमित नाम का कैरेक्टर प्ले किया। अब ये कैरेक्टर यानी सुमित जब अनुजा की लाइफ में वापस आता है, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल लास्ट एपिसोड ऑफ दिस शो आई थिंक दिस कैरेक्टर हैज बीन ग्रोइंग इवन मच मोर बेटर एंड इट वॉज रियली एंटरटेनिंग। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट सुपर नस्त काय इज द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड टाइटल सॉन्ग ऑफ दिस शो। तुमच्या त्रिकूट आहे ते असंच एकत्र राहील। मला फक्त एवढंच माहिती आहे की जसं एका आईला 4 मुलं असतात प्रत्येकामध्ये तिचा जीव तेवढाच गुंतलेला असतो, तसंच आहे। मैंने प्लेनेट मराठी पर जून नाम की मराठी मूवी देखी विच वॉज अमेजिंग एंड देन हिंग पुस्तक तलवारा परेश जैसी मराठी वेब सीरीज देखी ऑन प्लेनेट मराठी जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा इनोवेटिव था। बट सोपर नस्त काईच्या कंटेंटला समजणं इतकं सोपं नाही। एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप पर तो कई सारी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी है बट पॉलीएमरी जैसे सब्जेक्ट पर शायद ही किसी ने इतना ध्यान दिया हो। दैट इज व्हाई आई फील लाइक इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट बाय द मेकर्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस शो। इस शो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए बिकॉज इन रियल लाइफ हर कोई इंसान इस शो के कैरेक्टर्स की तरह सॉफ्ट हार्टेड या फिर अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, सो बी ऑन अ सेफर साइड। तो मित्रों, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, कितना अच्छा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो आपका क्या ओपिनियन है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स ऑन द अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर एंड सी यू सून।